नागरी आज हमारे साथ मौजूद हैं मौसम के हवाले से, और उनकी क्वेश्चन गोइयां हमेशा 99% हैं। जिगरी और गर्दोनुमा में कल से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, इस हवाले से हम मालूमात लेंगे मोहम्मद रजा अख्तर साहब से। मोहम्मद रजा अख्तर साहब, कल की जो बारिश बरसात शुरू हुई है, बारिश का जो सिलसिला आया है, ये कल का बारिश का सिलसिला कहाँ तक फैला हुआ है, डिग्री में कल कितनी बारिश अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है, और ये सिलसिला कब तक रहेगा, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को मुतला करें, अपनी महराना राय पेश करें। शुक्रिया फरहान साहब कि आपने मौका दिया। कल वाली बारिश का सिलसिला जो था, ये राजस्थान और गुजरात के मुश्तरका बॉर्डर से हमारे थर के रास्ते, यानी खासतौर पर उमरकोट के रास्ते ये दाखिल हुआ है। आपने वीडियोज वगैरह न्यूज़ में सुना होगा कि उमरकोट में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, और इसी वजह से ये बारिश का जो सिलसिला वहाँ से ये होता हुआ मीरपुर खास और हैदराबाद डिवीजन तक फैला है। कराची में कल बारिश देखने को नहीं मिल पाई, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज कराची में भी एक अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। ये सिलसिला अब जनूबी सिंध को मुकम्मल तौर पर कवर कर चुका है। आज जनूबी सिंध और वस्ती सिंध के काफ़ी इलाकों में इंशाल्लाह बारिश होगी। कल इसका सिलसिला काफ़ी हद तक समंदर में चला जाएगा और कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से कुछ मकाम पर बारिश की उम्मीद है। तो ये कह सकते हैं कि सिलसिला कल तक चलेगा, आज इसका जोर होगा। जो रात हमारे यहाँ बारिश हुई डिग्री में, वो कितनी बारिश हुई, क्या वो बारिश उतनी बारिश हुई जितनी तवक्का थी, या तवक्का से कम बारिश हुई? नहीं, डिग्री शहर की बात की जाए तो बारिश कुछ कम थी, यानी कि 10 मिलीमीटर, लेकिन 10 मिलीमीटर एक नॉर्मल बारिश होती है। लेकिन डिग्री की सराउंडिंग अगर बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश रात देखने को मिली है, और इंशाल्लाह उम्मीद कर की जा सकती है कि आज एक अच्छा स्पेल दोबारा देखने को मिले डिग्री या इसके सराउंडिंग के एरियाज में। अभी बकर बड़ी ईद के दिन करीब आने वाले हैं, और लोग कुर्बानी खरीद रहे हैं और उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं, तो ये बारिश का सिलसिला ये कितने लंबा रहेगा, और बकर ईद तक बारिश की क्या पोजीशन रहेगी? इसे घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिलसिला कल तक है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा सकती है मंगल से दोबारा समुद्री हवाएं खुल जाएंगी और मौसम में एक बार दोबारा बेहतरी आ जाएगी, जो कि 29 तक या 30 जुलाई तक हवाएं रहेंगी, मौसम बेहतर रहेगा। 30 या 31 से दोबारा हब्स की कैफियत बढ़ेगी, क्योंकि इस सीज़न का पहला लो प्रेशर बंगाल के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि अगस्त के पहले चंद दिनों में, हफ्ते के अंदर ये बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पूरे सिंध में हब्स की कैफियत बढ़ेगी। और एक और अच्छी खबर ये कि इंशाल्लाह जुलाई में, क्योंकि नॉर्मल से बारिशें कम हुई हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त बहुत अच्छा जाएगा, स्पेशली अगस्त के पहले 10 दिन और 11 से 20 अगस्त के दरमियान दो अच्छे स्पेल एक्सपेक्टेड है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी ईद बारिश, हमारी ईद के दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है? इसमें यह है कि हल्की फुल्की कुछ एरियाज में, खासतौर पर 31 और पहली को मुमकिन है चांस हैं, लेकिन मैक्सिमम बारिश के चांस कम है, हब्स होगी और कुछ बादल वगैरह हो सकते हैं। मोहम्मद रजा साहब, आपका कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम गाहे ब गाहे आपसे मालूमात लेते रहेंगे, और मौसम के हवाले से आपने हमें वक्त दिया, हमारी नाज़रीन को बारिश के हवाले से अपडेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।